हेलो एवरीवन, आज 4.2 चैप्टर पढ़ेंगे कर्नाटिक म्यूज़िक के बारे में, डिफरेंसेस स्वर रागास पर्सनैलिटीज़। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हिंदुस्तानी म्यूज़िक कवर किया था, अब कर्नाटिक म्यूज़िक कवर करते हैं। हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया के में मतलब गाया जाता है और बजाया जाता है, और जो कर्नाटिक म्यूज़िक है वो साउथ सदर्न पार्ट का है इंडिया के। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ म्यूज़िक इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इवॉल्व कैसे हुआ वो देखते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का ही एक फॉर्म है कर्नाटिक म्यूज़िक। ठीक है, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, इनमें जो है ज़्यादा बजाया गाया जाता है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक गाया जाता है, और इन स्टेट्स में कर्नाटिक म्यूज़िक। ओके, अब मेन एम्फोसिस दिया जाता है कर्नाटिक म्यूज़िक में वोकल्स के ऊपर। ठीक है, द म्यूज़िक इज़ क्रिएटेड इन द ट्रेडिशनल ऑक्टेव फॉर्म एंड म्यूज़िक इज़ कृति बेस्ड एंड फोकस मोर ऑन द साहित्य और लिरिक क्वालिटी ऑफ द म्यूज़िकल पीस। ओके, अभी ये लाइन का मतलब आपको आगे जाके पता चलेगा कि जैसे वो बोलते नहीं है स्वर कितने हैं, सात, सारे गामा पा, वो सभी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी कंपोजिशन ऑफ द कर्नाटिक स्टाइल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू। अब इनके ये जो कर्नाटिक स्टाइल्स हैं ये डिवाइड हैं अलग अलग पार्ट्स में, वो देखते हैं क्या है। पल्लवी ये फर्स्ट थीमेटिक लाइंस होती हैं कंपोजिशन में, जैसे मान लीजिए एक जैसे गाना है मान लीजिए, ठीक है, उसकी जो पहली लाइंस होती हैं जिससे वो स्टार्ट होता है, ठीक है, वो पैराग्राफ जो होता है फर्स्ट, तो उसे पल्लवी कहते हैं। और ये वाला पोर्शन जो है वो रिपीटेडली गाया जाता है, जैसे आपने कई गानों में भी सुना होगा कि एक दो लाइनें जो होती हैं वो रिपीट होती हैं स्टार्टिंग की। ठीक है, अनुपल्लवी क्या होता है, ये पल्लवी जो स्टेंजेस होते हैं जिसे रिपीटेडली गाया जाता है, उसके बाद का स्टेंजे को क्या बोलते हैं, अनुपल्लवी। ठीक है, वर्मन जो होता है वो रागास होते हैं जो कंपोज के जो है पार्ट रिवील्स द रागास ऑफ द कंपोजिशन टू द ऑडियंस। ऐसे रागास की कंपोजिशन होती है जिससे अनुपल्लवी से नेक्स्ट पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पूर्वंगा जो फर्स्ट पार्ट होता है और उत्तरंगा जो कि सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, पूर्वंगा जो फर्स्ट और उत्तरंगा जो है सेकंड। ठीक है, रागमल्लिका जो होता है वो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द पल्लवी, मींस जैसे स्टार्टिंग की थी तो पल्लवी, अब उसको कंक्लूड किया जाता है एंड में, तो उसे रागमल्लिका बोलते हैं। इन दिस पार्ट देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रोवाइजेशन फॉर द आर्टिस्ट, इसमें थोड़ा सा वो और इम्प्रूव करके और थोड़ा मीन्स स्टाइल में गाता है उसको। ठीक है, अब थियोरेटिकल स्टाइल सिस्टम क्या होते हैं म्यूज़िक के, जो कि कर्नाटिक म्यूज़िक के हैं, उसमें अब देखते हैं स्वर राग, ये अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वर क्या होता है, ये एक संस्कृत वर्ड है जो कि दैट कनोट्स अ नोट इन द सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ द ऑक्टेव और सेवन स्टेप इन द इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। ये स्वर जैसे आपको मैंने बताया था सारे गामा पा, आपने ज़रूर सुने होंगे, जब कोई भी म्यूज़िक जैसे सीखता है तो सबसे पहले उसे यही सिखाए जाते हैं, सारे गामा पाधानी सा, है ना, रिपीट होता है ना, सात के बाद वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। अभी ये नीचे बताऊंगी मैं कि इनके मतलब क्या है। ठीक है, उससे पहले और देख लीजिए, और ये जैसे कि बोला गया इसे सप्त स्वर बोला जाता है, सात होते हैं ना इसमें। द टर्म स्वरा वॉज एसोसिएटेड विद द रिसाइटेशन ऑफ द वेदास, वेदास में ये गाए जाते थे सात, और पर्टिकुलरली इन सामवेद, ये भी पूछ सकते हैं स्वरा कौन से वेद से आता है। ठीक है, तो सामवेद से। इन नाट्य शास्त्र भारत ने भी इसे डिवाइड किया था स्वरज इनटू 22 नोट स्केल। ठीक है, भरता है डिवाइडेड स्वरज इनटू 22 नोट्स इन नाट्य शास्त्र। ठीक है, स्वरज जो है वो एसोसिएटेड है विद हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूज़िक दोनों के साथ। ऐसी बात नहीं है कि ये हम कर्नाटिक म्यूज़िक में पढ़ रहे हैं तो ये स्वर सिर्फ कर्नाटिक म्यूज़िक में ही एसोसिएटेड है, बल्कि ये हिंदुस्तानी में भी एसोसिएटेड है। अब सारे गामा पा की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या क्या है। सा से सजदा, री से ऋषभा, गा से गंधारा, मा से मध्यमा, पा से पंचमा, और धा से धैवता, और नी से निषादा। ठीक है,
तो एक बार ही देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। और रागास जो हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। ये इसका राग का क्या क्या मतलब होता है, मेलोडी मीन्स किस टोन में उसे गाया गया है, ठीक है। क्लासिक म्यूज़िक को कौन से टोन में गाया गया वो रागा होता है। और वर्ड रागा जो है वो संस्कृत वर्ड से ही आता है, जिस वो संस्कृत वर्ड है रंज, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू डिलाइट और टू मेक हैप्पी, किसी को हैप्पी करना, सेटिस्फाई करना किसी पर्सन को, उसे रंज बोलते हैं संस्कृत में। और उसी को रागा बोला जाता है कि बहुत स्वीट सी उसमें आवाज़ में गाना, मेलोडी आवाज़ में गाना, तो उसे रागा बोला जाता है। ओके, ईच मेलोडिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी सब्जेक्ट से और मूड से। मीन्स ऐसे नहीं है कि बात कि एक ही तरह के मूड में उसे एक ही मेलोडी में गाया जाए, बल्कि ये अलग अलग होते हैं। ओके, अब राग गाने का टाइम, सीजन, मूड अलग होता है, जैसे कि मैंने बताया सिमिलर नहीं होते हैं मूड्स इनके, तो वो देख लेते हैं कौन से राग में, कौन से टाइम पर, कौन से सीजन में और कौन से मूड में गाया जाता है। ओके, तो भैरव जो है वो एक राग है जो कि मॉर्निंग में सुबह सुबह गाते हैं, ऑटमन सीज़न में गाते हैं, मूड एकदम शांत पीस वाला होता है। हिंडोल जो राग है वो डॉन, ठीक है, डस्क टू डॉन होता है ना, रात से सुबह तक, तो डॉन मीन्स सुबह जब पहली किरण जब थोड़ा थोड़ा सुबह होनी शुरू हो जाती है, पूरा एकदम से दिन नहीं सुबह वाली दिन, ठीक है। तो वो स्प्रिंग सीजन में इवॉल्व स्वीटनेस ऑफ द यंग कपल्स। और दीपक भी एक राग है जो कि रात में गाया जाता है, समर सीजन में कंपैशन और इसका मूड है, ठीक है। और मेघ जो है वो दोपहर के समय में या मिड डे आफ्टरनून है ना कहते हैं उसे, रेनी सीजन में, और करेज के मूड में इसे गाया जाता है। श्री भी एक राग है जो कि इवनिंग में गाया जाता है, विंटर्स में, और ग्लैडनेस को शो करता है। मालकॉन्स जो है वो मिडनाइट में गाया जाता है, मध्य रात्रि में, और जो कि विंटर में गाया जाता है, यूथफुल लव का को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ नोट्स इन द रागास, इसे तीन मतलब इसके सब डिविजन्स किए गए हैं, मेन थ्री टाइप्स ऑफ रागास हैं वो देखते हैं। औधव या फिर औधवा रागा, जिसे पेंटा टॉनिक भी बोला जाता है, पेंटा का मतलब ही क्या होता है, पांच, है ना, तो पांच नोट्स होते हैं इसमें औधव में, ठीक है। शर्धवा राग में हेक्साटोनिक होते हैं, हेक्सा मैंने होता है सिक्स, तो सिक्स नोट्स होते हैं इसमें। संपूर्ण राग मीन्स पूरे, संपूर्ण मैंने क्या होता है पूरा होना, फुल, है ना, सप्तटोनिक होते हैं। और पूरे राग्स कितने होते हैं, सात होते हैं, हमने पढ़े नहीं है सारे गामा पा, तो इसमें सेवन नोट्स होंगे सारे गामा पा धानी सा, है ना, तो वो सेवन होते हैं ना, सेवन के बाद फिर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है, तो सेवन नोट्स संपूर्ण राग में, ठीक है। तो एसेंट ऑफ द एक्सेंट ऑफ द नोट्स, जो एक्सेंट होता है नोट्स का, मीन्स जहाँ से वो शुरू होते हैं उसे आरोहा बोलते हैं, और डिसेंट को हम बोलते हैं अवरोहा, ठीक है। कर्नाटिक म्यूज़िक में 72 मेन रागस हैं, रागास हैं, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में ओनली 6 मेन रागास हैं, ठीक है। तो ये याद रखें कि हिंदुस्तानी में सिर्फ 6 हैं और 72 हैं कर्नाटिक म्यूज़िक में। ताल के बारे में बात करते हैं, वैसे ताला लिखा जाता है, ताल बोलते हैं इसे, इस रिदमिक ग्रुपिंग होती है बीट्स की जिसे ताला बोला जाता है, ठीक है। रागा एसोसिएटेड होता है मेलोडी से, जैसे कि हमने बात की राग को मेलोडी की टोन क्या है आवाज़ की उसमें गाया जाता है, और जो ताल होती है वो रिदम के हिसाब से होती है, ठीक है। तो ताल हमारी हो गई रिदमिक साइकिल्स इन द ताल रेंज फ्रॉम द 3 to 108 बीट्स, ठीक है। टेम्पो ऑफ ताला विच कीप्स इट्स यूनिफॉर्मिटी इन द टाइम स्पैन इज कॉल्ड लाया, ठीक है। ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं आपको याद रखने, लेकिन आपको ये मेन चीज़ें याद होनी चाहिए, राग, स्वर और ताल किसे कहते हैं, ये तीन बात अगर आपको याद हो जाती है तो वेल एंड गुड, उसके बाद आपको अगर ये याद आप रख पाते हैं तो और भी अच्छी बात है। लाया क्या होता है, ठीक है, इनमें जो सब डिविजन्स है। द यूनिक पॉइंट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ताला इज़ दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ म्यूज़िक दैट अकंपनीज इट एज इट हैज़ इट्स ओन डिविजन, ओके। और एक ये यूनिक होता है क्योंकि इसकी अपनी ऑन डिविजन्स होती हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जो कि कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, तो ये है डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण, जो कि इंडियन कर्नाटिक वोकलिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, सब कुछ हैं ये। इंडियन कर्नाटिक
ओके ठीक है, कर्नाटिक म्यूज़िक से रिलेटेड है, डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण, ठीक है, इनको भूलना नहीं आपने। और इन्होंने 5 decades मतलब 50 साल लगा लीजिए, क्योंकि एक डिकेड में आप लगा लीजिए 10 years होते हैं ना, तो 5 decades मीन्स 50 year अप्रोक्सीमेट इन्होंने जो है साउथ इंडियन म्यूज़िक को जगा के रखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कई न्यू रागास को जनरेट किया, क्रिएट किया, और जो है नियरली 400 क्लासिकल कंपोजिशन इन्होंने बनाई, ठीक है। ही हैड रिक्रिएटेड मींस दोबारा से बनाया ट्रेडिशनल स्टाइल इन हिज ओन नियो क्लासिकल स्टाइल, मींस जो पुराने स्टाइल थे कर्नाटिक म्यूज़िक के उनको नए स्टाइल में इन्होंने खुद क्रिएट किया, रिक्रिएट किया। ओके, ही हैज़ कन्फर्म्ड विद मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, पद्मश्री, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, यूनेस्को महात्मा गांधी सिल्वर मेडल, ठीक है। तो एक तो आपको ये याद रखना है डॉक्टर बाला मुरली कृष्ण, ठीक है, कर्नाटिक म्यूज़िक से रिलेटेड है, इन्होंने जो है ये सब कुछ है, वोकलिस्ट, म्यूजिशियन, मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, प्लेबैक सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र, और लगभग 5 decade तक इन्होंने जो है वो साउथ इंडियन म्यूज़िक को बरकरार रखा, और न्यू रागास को इन्होंने क्रिएट किया, और 400 जो है इन्होंने क्लासिकल कंपोजिशंस बनाई, और ट्रेडिशनल स्टाइल को जो है उन्होंने नए उसमें फॉर्म में ढालकर उन्हें नियो मींस नए क्लासिकल स्टाइल में डेवलप किया, और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, पद्मश्री, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, यूनेस्को महात्मा गांधी सिल्वर मेडल। ओके, सेकंड नाम जो आ रहा है ये तो आपको कभी भूलना नहीं, MS सुब्बा लक्ष्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। इनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में मदुरई में, और ये पहली म्यूजिशियन थी जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला था, महिला, ठीक है, और फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव द रमन मैगसेसे अवार्ड, जिन्हें एशिया नोबल प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। और ये काफ़ी जगहों पर इन्होंने ट्रैवल किया इंडियाज कल्चर एम्बेसडर के रूप में, एंड शी हैड रेयर ऑनर ऑफ सिंगिंग एट द UN जनरल असेंबली 1966, मींस इनको UN जनरल असेंबली 1966 में गाने का मौका भी प्राप्त हुआ, जो कि बहुत कम लोगों को होता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूज़िक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा योगदान था कर्नाटिक म्यूज़िक में, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण भी दिया हुआ है, और पद्म विभूषण दोनों भी इन्हें मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कर्नाटिक म्यूज़िक में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं वो क्रिएशंस की हैं। ओके, हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कर्नाटिक म्यूज़िक दोनों के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने दोनों के बारे में सेपरेट वीडियोस में देखा है, लेकिन अब हम कंपैरिजन करेंगे। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक आपको जैसे पता है नॉर्थ इंडिया में होता है, कर्नाटिक म्यूज़िक जो है वो साउथ इंडिया में होता है, लेकिन हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक नॉर्थ के किसी पार्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तानी म्यूज़िक जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है पर्शियन, अरब, अफ़गान एलिमेंट से, लेकिन कर्नाटिक म्यूज़िक बिल्कुल हमारा अपना है, इंडिया का है, इंडिजीनियस है। ओके, और हिंदुस्तानिक म्यूज़िक में जो है सेवरल सब टाइप्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं घरानास के अंदर, जैसे लखनऊ घराना, ठीक है, हमने पढ़े थे ना, वाराणसी है ना, बनारस है ना, वो सभी, लेकिन आपको कर्नाटिक म्यूज़िक में सिर्फ एक ही स्टाइल मिलेगा सिंगिंग का, नो सब स्टाइल्स, ठीक है, अलग स्टाइल्स नहीं मिलेंगे, सब डिविजन्स नहीं मिलेंगी। हिंदुस्तानी में दोबारा आ जाते हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ द इम्प्रोवाइजेशन फॉर द सिंगर्स, कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं टाइम टू टाइम वेरिएशंस को, देर आर मैनी वेरिएशंस, ठीक है, लेकिन इसमें इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप जो है वो लिटल रहता है इन कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। और 6 रागास होते हैं हिंदुस्तानी में, और कर्नाटिक में 72 रागास, ये हमने अभी इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में ही ऊपर देखा था, ठीक है। उसके बाद एडरेंस टू टाइम इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड डज नॉट एडरेंस टू टाइम एडहेयर टू टाइम इन कर्नाटिक म्यूज़िक, ठीक है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जो है इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्हें इक्वली इम्पॉर्टेंस दी जाती है वोकल्स के साथ, लेकिन हमने पहली लाइन जो कर्नाटिक म्यूज़िक की ये पढ़ी थी कि कर्नाटिक म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ एम्फोसाइज देता है वोकल म्यूज़िक में, ठीक है। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप पहली लाइन देख सकते हैं इस
जो लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने देखा था। तो और इसमें कर्नाटिक म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है, हिंदुस्तानी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स पर, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कौन कौन से हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, तबला, सरंगी, सितार, संतूर, फ्लूट एंड वायलिन, ठीक है। और कर्नाटिक म्यूज़िक में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वीणा, मृदंगम, ठीक है, मंदोलिन और फ्लूट एंड वायलिन, ठीक है। ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। देखते हैं यहाँ नेक्स्ट ही लेक्चर है वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो सारे हमने देखे कि कौन से हिंदुस्तानी म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, कौन से कर्नाटिक में हो रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, तो उनका नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम डिटेल में देखेंगे कि इनकी पिक्चर्स के साथ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये। ओके, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए, और कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, और सजेशन भी दे सकते हैं आप कुछ अगर आपको कुछ लगे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।